पराग भाई एकदम से सुर्खियों में आ गए। एलवी सर में देख लिया भाई को गाली नहीं पड़नी चाहिए। देखो हाँ तुम कुछ भी करो। हे गाइस, तो मैंने ये मैटर तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि कैसे पराग राहुल जो थे एमटीवी रोडीज के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे और इवन की बिग बॉस में भी फुकड़ा इंसान को और एलविस यादव को ले जाने वाले कास्ट करने वाले वही थे। तो उन्होंने एक फैन ने इंस्टाग्राम मैसेज किया था, तो उसमें उन्होंने मैसेज डीएम का रिप्लाई करके साफ कर दिया था कि उन्होंने फुकड़ा इंसान को नहीं लिया था, रफ्तार भाई जो है एलविस यादव का नाम सजेस्ट किया था स्टार्टिंग में एंड एलविस यादव ही डन थे। तो गाइस उसी रिप्लाई के बाद जब ये चीजें वायरल हुई तो फुकड़ा इंसान के फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए। पराग राहुल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके उनको गाली गलौज अब्यूजिंग मतलब बहुत तरीके से ट्रोल भी करने लगे। तो गाइस उसी पे एलविस यादव का रिप्लाई ये आ गया है कि कुछ भी करो एलविस आर्मी इनको गाली नहीं पड़नी चाहिए और उन्होंने भी अपना सारा चीज बोला कि इस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी। और मैं अभी देख रहा हूं वैसे कि पराग भाई एकदम से सुर्खियों में आ गए। क्या कर रहा है पराग जी, आपने सुर्खियों में आ गया? मैंने एक सच्चाई बोला था जिसमें सच था, एक लाइन सच था और नीचे का जो नाम लिया था वो आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, तो वो रेफर नहीं किया था, उसने रेफर नहीं किया था। एक सिंपल बात है कि अगर कोई आर्टिस्ट जो खुद एक शो पे आए थे, क्या वो किसी और को आने के लिए बोले कि इतना तो नहीं हो सकता? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एल्विस, वो खुद से खुद का ही वो आया नाम, कोई और चाह रहा है कुछ अलग करने के लिए, बट आ रहे बहुत सारे नाम आ रहे, प्यार इतने सारे आ रहे ना गालियों में कुछ अलग टीम से। गाली खा रहे हो क्या आप? गाली खा रहे भाई, गाली नहीं खाने चाहिए, अपने बड़े भाई हैं, पूरी जितनी मेरी एलवी शर्मा देख रही है भाई को गाली नहीं पड़नी चाहिए। देखो हाँ तुम कुछ भी करो ठीक है, ये अपनी वो वाली बात होगी। बाकी गाइस पराग राहुल के इस बयान पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सोशल मीडिया अपडेट के साथ, तब तक के लिए एसएसपी से इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।